नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। बोर्ड की एग्जाम अब संपन्न हो चुकी है, उसके बाद सभी देश के लाखों स्टूडेंटों की नज़रें सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के रिजल्ट पर लगी है। हम आपको इस वीडियो के अंदर सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा वो तारीख भी बताएंगे और साथ में आपको वो बातें बताएंगे जो कि आपको रिजल्ट से पहले जानना ज़रूरी है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। सीबीएसई की वेबसाइट आप यहां देख सकते हैं और ये आप सेव कर लीजिए। इसी वेबसाइट के ऊपर आपको 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको पता है सीबीएसई ने मूल्यांकन का कार्य 10 मई से ही शुरू कर दिया था और टीचर्स को इस बार घर से ही जांच की छूट दी गई थी और सीबीएसई ने इसके लिए 3000 मान्यता प्राप्त मूल्यांकन केंद्रों से 1.5 करोड़ से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाएँ घर भेजी थी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अपडेट पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इसी माह की 15 तारीख को कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दें। आपको बता दें इस तारीख यानी कि इसी महीने को 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा सीबीएसई का और उसी दिन 10वीं और 12वीं का एक ही साथ रिजल्ट घोषित करेगा सीबीएसई। इस वक्त बोर्ड के एग्ज़ाम की नंबर को सेव करने में लगा हुआ है और तमाम घरों से जो कॉपियाँ चेक हो रही थी उन्हें कलेक्ट कर रहा है।